नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनन गुप्ता। मैं हूँ एक ऑब्स्टेट्रिशियन, आईवीओ स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। अक्सर मेरे ओपीडी में ऐसे सवाल आते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराएं या फिर सिजेरियन सेक्शन कराएं, या फिर सिजेरियन सेक्शन बेटर होता है या नॉर्मल डिलीवरी बेटर होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ सिजेरियन सेक्शन के इंडिकेशन के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। सिजेरियन सेक्शन कुछ कंडीशन में नेसेसरी हो जाता है, जैसे की पीवियस टू सिजेरियन सेक्शन, जिसमें की पहले पेशेंट के दो सेक्शन हुए हैं, या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन जहाँ पे बच्चे के बटक्स का प्रेजेंटेशन है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया जहाँ पे बच्चे की जो अवल नाल होती है जिससे मदर और बच्चे के बीच में ब्लड सप्लाई एक्सचेंज होता है, वो नीचे बच्चेदानी के मुंह पे होती है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रीवियस मायोमेक्टमी यानी कि प्रीवियस अगर कोई फाइब्रॉइड रिमूवल की सर्जरी हुई है तो उस केस में सिर्फ सिजेरियन सेक्शन रिकमेंडेड होता है, या शॉर्ट इंटर कंसेप्शन पीरियड यानी कि प्रीवियस डिलीवरी और डिलीवरी के बीच में सिर्फ 6 महीने का गैप हो तो सिजेरियन सेक्शन करा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिसमें इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करा जाता है, जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस यानी कि बच्चे की दिल की धड़कन का कम हो जाना, या फिर केल्ड इंडक्शन जहाँ पे आर्टिफिशियल गर्भ लाने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं पेशेंट को, वो दवाइयों का असर ना आने पे हमें डिलीवरी करनी पड़ती है, वो सिजेरियन सेक्शन से ही होती है। और ऐसे ही म्यूकोनियम स्टेन लाइकर यानी कि बच्चा अगर पेट में ही पॉटी कर देता है तो उसमें हमें सिजेरियन सेक्शन इमीडिएटली करना पड़ता है, या फिर ब्लीडिंग जैसे कि अब्रप्शन या प्लेसेंटा प्रीविया जहाँ की ब्लीडिंग हो जाए तो बच्चे की जान बचाने के लिए सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो अब सवाल ये आता है कि नॉर्मल डिलीवरी बेटर होती है या सिजेरियन सेक्शन बेटर होता है। तो मेरे ओपिनियन में नॉर्मल डिलीवरी इज बेटर एंड सिजेरियन सेक्शन अगर अच्छे से करा जाए तो वो भी, अगर राइट इंडिकेशन के लिए करा जाए, जेन्युइन इंडिकेशन के लिए करा जाए तो वो ठीक है। बट सिजेरियन सेक्शन में ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, लॉन्ग इंट्रा ऑपरेटिव टाइम और पेन की कॉम्प्लिकेशंस होती है। नॉर्मल डिलीवरी में जब बच्चा लेबर में 24 घंटे से ज्यादा रहता है तो बच्चे की लंग्स के आसपास जो पानी होता है उसके स्क्वीज होने की वजह से बच्चा डिलीवरी के बाद ज्यादा कंफर्टेबली ब्रीथ कर पाता है। तो आई विल से नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज बेटर देन सिजेरियन सेक्शन। एनीथिंग नॉर्मल इज ऑलवेज बेटर देन एनीथिंग नॉट सो नॉट। सो ये मेरा एक बिलीव सिस्टम है। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या ऐसी चीजें करें जिससे कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर पाए। तो उसमें पहला पॉइंट आता है कि गुड एंटीनेटल केयर। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चले, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उस डॉक्टर की दवाई लें, उस डॉक्टर के कहने पे सारी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें। आजकल हर जगह एंटीनेटल क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस में आपको ये सिखाया जाता है कि लेबर में कैसे बिहेव करें, लेबर में पेन रिलीफ के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आजकल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एंटोनॉक्स या फिर इनहेलेशनल एनेस्थीसिया आ गया है। आपके साथ एक बर्थिंग पार्टनर और लेबर पार्टनर को तैयार करें, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। आजकल लमाज ब्रीदिंग काफी चल रही है, लमाज ब्रीदिंग में कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है जिससे आप लेबर को बेटर टॉलरेट कर पाते हैं, तो उनके बारे में जानकारी हासिल करिए। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को डिलीवरी से पहले एक बर्थ प्लान दे सकते हैं, उस बर्थ प्लान में आप ये बता सकते हैं आपको किस टाइप का माहौल पसंद है डिलीवरी रूम में, आप किसी तरीके का म्यूजिक चाहते हैं या किसी तरीके की स्मेल्स चाहते हैं या किसी तरीके का लाइटिंग चाहते हैं, कौन सी नर्सेज आपको पसंद है, कौन से डॉक्टर से आप एग्जामिनेशन करवाना चाहेंगे, आपके बर्थ में बेबी को आप इमीडिएटली ब्रेस्ट फीड कराना चाहेंगे, क्या आप हस्बैंड से कॉर्ड कट करवाना चाहेंगे, ये सारी चीजें आप गायनेकोलॉजिस्ट को लिख के दे सकते हैं बर्थ प्लान के माध्यम से। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एजुकेट करना चाहूंगा कि कब सिजेरियन सेक्शन होता है और कब नॉर्मल डिलीवरी होती है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आगे वीडियोस के लिए आप इस चैनल पे बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।